मोदी के दमदार फैसले ने विरोधियों को फिर चौंकाया। शिवराज तोमर पटेल की मीडिया में चलती रही चर्चा, मगर मोदी ने तो मोहन यादव पर खेल दिया तगड़ा दाव। मोदी के चौंकाने वाले फैसले पर क्या बोले अजीत अंजुम? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, वीडी शर्मा जैसे न जाने कितने नाम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चलने लगे और इन तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताया जाने लगा। लेकिन ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मोदी अपने फैसलों से विरोधियों को भी चौंकाते रहते हैं, और ये बात छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को सच साबित हुए, जब विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब मध्य प्रदेश में मोदी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर विरोधियों को एक बार फिर से हैरान कर दिया। क्योंकि मोहन यादव एक ऐसा नाम है जिनके बारे में दूर दूर तक किसी ने सोचा भी ना था कि वो शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को पछाड़ कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 11 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो मोहन यादव का नाम देखकर सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि मोदी विरोधी पत्रकार माने जा रहे अजीत अंजुम भी मोदी के इस फैसले से दंग रह गए। तभी तो मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के बाद अजीत अंजुम ने एक ट्वीट में कहा, मोदी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर एक बार फिर से चौंकाया है। जिनके नाम चर्चा में थे उनमें से कोई सीएम नहीं बना। एमपी चुनाव से पहले सीएम के लिए 8-10 नाम चल रहे थे। चुनाव के बाद कभी तोमर, कभी पटेल, तो कभी कोई और सीएम का उम्मीदवार माना जा रहा था। लॉटरी लगी तीसरी बार विधायक चुने गए मोहन यादव की। इस फैसले से मोदी ने 2024 के लिए यादव वोट बैंक को साधने का दांव खेला है। एक और ट्वीट में अजीत अंजुम ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर 2024 के लिए ओबीसी को साधने या साधे रखने के लिए बड़ा दाव चला है, खासकर यादव समाज को। पत्रकार अजीत अंजुम की इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी ने यूं ही नहीं मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। देश में एक तरफ जहां लालू, नीतीश, तेजस्वी, राहुल जैसे नेता जाति जनगणना और ओबीसी समाज को हक देने के मुद्दे पर 2024 के चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक फैसले से विरोधियों के सभी मंसूबों को धराशाही कर दिया। मोहन यादव को सीएम बनाए जाने के बाद कम से कम बीजेपी डंके की चोट पर अब ये कह तो सकती है कि हमने ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि यूपी में मुलायम सिंह या अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो वहीं बिहार में यादव के नाम पर लालू, रावड़ी, तेजस्वी जैसे लोग ही सीएम बनते और डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। परिवार के बाहर के किसी यादव को सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तभी तो बिहार में बीजेपी ने लालू परिवार पर प्रहार भी तेज कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट में लिखा, आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, परंतु बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। मोहन यादव को बधाई। बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपने परिवार के बाहर के किसी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर जमकर आड़े हाथों लिया। बिहार में तो राजद आज तक अपने परिवार को छोड़कर किसी और को, किसी यादव को कुछ नहीं बना सका, मुख्यमंत्री नहीं बना सका। लालू जी जब जेल भी जा रहे थे उन्हें अपनी पत्नी दिखी थी, लेकिन आज भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर वह कर दिखाया कि भाजपा यादवों पर भरोसा करती है, परंतु लालू प्रसाद का परिवार बिहार के यादवों पर भरोसा नहीं करता, यह भाजपा ने आज साबित कर दिया। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, उधर बिहार में बीजेपी ने लालू परिवार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने एक यादव को एमपी की कमान सौंप कर कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका असर मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जहां यादव समाज की अच्छी खासी आबादी है। वैसे मोदी के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही सीएम बनने के बाद मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की बड़े काम को ही बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस
नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं, और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं, हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अभी दिन आवाज आया था, ये पांचवी बार भाजपा की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया, मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृहमंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं।